मजा आ गया। अभी फुल्की वाला भी पार्टी बाकी है। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह बज गए हैं 7:52 मीन्स 8 बजने वाले हैं। सुबह अपने साथ पोपट हुआ क्या, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैं किस तरह से अपनी फर्स्ट ब्लॉग 2022 का शुरुआत कर रहा था, वह वीडियो अपलोड करना था। जैसा कि आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, उसको ऐसा प्लान था रात को सारी चीज अपलोडिंग करके शेड्यूलिंग करके रात को ही कम्प्लीट कर देना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सो गया एंड मैं अचानक से उठा, फिर देखा कि अरे यार मेरा मोबाइल तो ही पड़ा हुआ है जिससे मैं अपलोड करता था, वो तो स्विच ऑफ पड़ा हुआ, रात भर ऑटोमेटिक यूट्यूब चलता रहा। ऐसे ही होता है जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो पहले क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, देन उसी के अकॉर्डिंग देखता रहता हूँ। तो फिर जल्दी उठा, फिलहाल अभी 2 घंटे लगे उसको, फाइनली वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। डेफिनेटली अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अभी उठते हैं, चलते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। कल ही के ब्लॉग में मौसम की मैं तारीफ कर दिया, अब मौसम भी तारीफ के कारण किस तरह से शर्मा गया। फिर धूप नहीं हुआ जैसा कि कल बारिश हुआ था, आज अचानक में मौसम चेंज हुआ, बहुत ज्यादा ठंडी, उसी तरह से ठंडी है, मतलब उतना ज्यादा ठंडी नहीं है, मतलब नॉर्मली ठंडी है, क्योंकि अभी फॉग सा है पूरा मौसम, उधर देखिएगा फॉग सा है, धूप होने का चांस बहुत कम है। करते बहुत तेज हवा आ रही है। One hour later. अभी एक पोपट हो गया। पोपट हुआ क्या कि कहीं जाना था किसी छोटी सी राइड पे। कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मौसम उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही थी जितना होना चाहिए। सुबह ऐसा हल्का सा धूप था, फिर बादल से आ जा रहे थे, बट बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन अचानक में मौसम ने एक सेकंड के लिए बात बदल दी, जज्बात बदल दिए। ये हाल है मेरी फीसे से। एक दो और एक मर गए, वो पुरानी थी, एक दो तीन, तीन नहीं है, बाकी ये सबसे बड़ी है जो बहुत पुरानी है। ऑलराइट फ्रेंड, सुबह के बाद अभी ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ 2:18 पे, तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स हुए, साथ में प्रदीप आए थे उसके साथ, फिर गए गांव में टूर्नामेंट हो रही है तो वहाँ गए थे। फॉर्चुनेटली प्रदीप की टीम जो डोमहर माफी दिलझले क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानी जाती है, वो टीम आज दूसरा लीगल जीत चुकी है। तो बस कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट हो रहा है फिलहाल। अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि वेस्ट साइड में जो मार्केट लगती है उस मार्केट में एक समोसा वाले बहुत फेमस थे, 2-3 महीने बाद जा रहे हैं वहाँ समोसा खाने। छोटा छोटा समोसा बनाता है, मजा आ जाता है खाने में। समोसा खाने चलोगे कि नहीं? प्रदीप हाउ इज द जोश? बेस्ट। आई थिंक 2-3 महीने बाद हम लोग जा रहे हैं ना। एकदम राइट सर, कम से कम 3 मंथ हो गया। और छोटे छोटे समोसे ना, छोटे छोटे समोसे नोएडा, लॉन्ग टाइम। मैं तो नोएडा दिल्ली से घूमा, ये बंदा नोएडा दिल्ली हरियाणा फरीदाबाद मुंबई तक भी सफर कर चुका, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी सो मैं नहीं जा पाया। आई होप अगले ब्लॉग में आपको साथ में फिर देखेंगे, बस आप लोग का कृपा प्यार ऐसे ही बने रहे, बस आप सपोर्ट करते रहिए। तो अभी चलते हैं। अच्छा गर्म निकल रहा है भैया, जान लीजिए। चार महीना हो गया था आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कोल्ड फ्लेवर प्लस समोसा। वो तो मतलब वीडियो वाले देखेंगे, जरूरत नहीं है। फाइनली समोसे में भी बहुत ज्यादा लेट था तो हम लोग फुल्की पानी पूरी के जुगाड़ में बाहर आ गए हैं। और बिलीव मी वेस्ट साइड के मार्केट में अभी पानी पूरा कोई लुभावना नहीं दिख रहा है, बस सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये भाई साहब तो लगे हुए हैं पीछे, इनका तो अलग ही कहानी है। मजा आ गया, फिर खाते हैं। अभी फुल्की वाला भी पार्टी बाकी है।
सो ऑलराइट फ्रेंड, इस ठंड मौसम में अपनी चलती हुई वक्त से कुछ पल चुरा के मैंने अपने आप को टाइम दिया, भरपूर टाइम दिया और सो गया, मींस बढ़िया रैप ले लिया। तो फिलहाल अभी फ्रेंड्स ये हैं 6:30 हो रहे हैं, तो अभी नींद खुला कि सोचा ब्लॉग भी बनाना है, ब्लॉग भी एडिट करनी है, क्योंकि टाइम से पहले कल तो जो मेरे साथ घटना हुआ मैं तो सो गया था, आपको जैसा कि शुरुआत में ही बता दिया। देखो एक्चुअली अब मैं क्या सोचा हूँ कि कुछ भी डेली कंटेंट बनाना है, डेली अपलोड करूंगा, डजेंट मैटर टाइम कितना है, 6 मिनट का 7 मिनट का 1 मिनट का 2 मिनट का, मतलब मैक्सिमम 4-5 मिनट का वीडियो होगा तभी मैं अपलोड करूंगा, और इतना तो भाई के अंदर काबिलियत है ही, 5-6 मिनट का वीडियो तो बना ही लेगा। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप एक पर्सनल ब्लॉगर होते हो तो उसमें बहुत सारी जगह आपको ट्रेवल करनी पड़ती है, इसमें क्या करना पड़ता है, आपको कंटेंट बनाने के लिए कहीं जाना पड़ता है। मीन्स अगर आप खाली टाइम बैठे हो, कुछ मतलब दिमाग में नहीं सूझ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो हफ्ते में महीने में कभी एक दो ब्लॉग बना लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक्चुअली देखो अगर कोई नया ब्लॉगर देख रहा है, इस जर्नी में आना चाहता है, इंस्पायर हो गए, तो उसके लिए मेरी एक ही सीख है, आप जिस भी निश से आते हो, आपका निश क्या है वो आप डिसाइड करोगे, उस निश में आप किन्हीं 5 यूट्यूबर को, किसी 5 ब्लॉगर को आप लिस्ट बना लीजिए और उनकी रेशियो देखिए, कब कब वीडियो डालते हैं, हफ्ते में कितनी वीडियो डालते हैं, महीने में कितनी वीडियो डालते हैं, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मीन्स अगर वो महीने में 10 वीडियो डालते हैं तो आपको 11 वीडियो डालना है, तो कम से कम आपको 10 वीडियो डालना ही डालना है, तभी आप सक्सेस होगी। कुछ लोग ऐसा होता है क्या है कि 10-5 वीडियो बनाएंगे, उन पर व्यू नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो होपलेस हो जाते हैं। भाई देखो कुछ मेहनत करने के लिए, कुछ पाने के लिए थोड़ी सी टाइम लगती है, और वह टाइम ही आपको, उसमें पेशेंस चाहिए, बहुत सारी आपको बातें सुननी पड़ती हैं, उन सभी बातों को आप अपने अंदर ग्रहण करिए। कुछ लोग बुरी बातें बोलेंगे, कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे, तो ऐसे सब समाज में भ्रम या भ्रांतियाँ चलती रहती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग ऐसी सिचुएशन में ना फंसिए। अगर आप किसी निश से आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, शेयर मार्केटिंग से, मार्केटिंग से, पर्सनल ब्लॉगिंग से, ब्लॉगिंग से, ट्रेवलिंग से, फूडी से, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप डिसाइड करिए, क्योंकि ऑनलाइन जो, मतलब कुछ लोग इसको गलत वे में लेंगे, ऑनलाइन जो अर्निंग है ना उसकी कोई मोल नहीं है। आप सपोज आप जॉब करते हो, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीने मिलेगा, आप किसी कंपनी को अपना 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा दोगे। हालांकि यहाँ जनरली होता है सब लोग ब्लॉगर नहीं बन पाते हैं, सब लोग ऑनलाइन नहीं कमा पाते हैं, कुछ लोग कमा पाते हैं जो पेशेंस जिनके अंदर होती है, पेशेंस नाम की चीज़ होती है, जो खुद को अपने आप को टाइम देते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। मेरा मानना है कि जिसको यह लग रहा है कि जॉब से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, रियलिटी बताओ जॉब से तो कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक कुछ एक्स्ट्रा सोर्सिंग नहीं करोगे, आपका जो मनी आप सोर्स है कहीं अलग से नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए फाइनली अगर कोई ब्लॉगिंग सेक्टर में आना चाहता है, मीन्स ऑनलाइन, मैं नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब पे आइए, आप इंस्टाग्राम पे आइए, आप अमेजोन पे आइए, एफिलिएट करिए, वहाँ मार्केटिंग बनाइए, यूट्यूब पे आइए, वहाँ कुछ कंटेंट दीजिए, आपके अंदर जो भी कुछ है, मतलब मीन्स अगर आप अपने आप को व्यय कर सकते हैं, आप अपने आप को कुछ नॉलेज दे सकते हैं, तो वहाँ आप जरूर दीजिए, क्योंकि आजकल की मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आप ऑनलाइन ज्ञान दे रहे हैं तो आप सक्सेस कहलाएंगे, ऑफलाइन ज्ञान तो नहीं सक्सेस कहलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास, मैं खुद जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज, हद से ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन क्या समान, लेकिन क्या ये जमाना बदल गया है, अब आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, ऑफलाइन क्या 10-12 बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। अभी एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, वहाँ उनको देना था एड्स के रूप में बनाने के लिए, तो सोचा कि उसमें कुछ टाइम लगेगा, रात हो जाएंगी, फिर इस अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स आपसे ही मैं इजाज़त मांगता हूँ, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि हम भी से मोटिवेट हो और आपको भी ऐसे मोटिवेट करते हैं। फ्रेंड देखो अगर आप कोई काम लोगों से हट के करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे हेट्स मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस जाओगे वही हेट्स आपके सपोर्टर बन जाएंगे। तो ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं, आने वाले ब्लॉग में आपको ज्यादा सिखाऊंगा। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आरपी ब्लॉग रहे प्रताप सिंह। बाय बाय दोस्त।